ये देख सकते आप, ये राइट लेफ्ट हो रही है, ये देख सकते कैसे टच हो रही है। I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. So what's up guys, कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके, कैसे आप अपनी साइकिल की प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर आपको अपने मैकेनिक से ही सही करवानी चाहिए, पर बाई चांस जैसे आप कभी आउट ऑफ एरिया में आप कहीं फंस जाते हैं जहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, पर आप अपनी साइकिल को अगर ठीक करना जानते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कभी आपको रात में कोई दिक्कत आ जाती है क्योंकि उस टाइम पे भी कोई आपको मैकेनिक नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको अपनी साइकिल के हर प्रॉब्लम को मतलब हर पार्ट को ठीक करना आना चाहिए। तो वैसे ही आज आपको मैं सिखाऊँगा कि अपनी साइकिल की रिम की अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपको ये चेक करना आना चाहिए कि उसके रिम की अलाइनमेंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ कैसे चेक करते हैं। तो भाई जैसे कि ये अपनी साइकिल जो मैं पहले यूज़ करता था, फायरफॉक्स पैराडाइज 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइकिल को उल्टा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको अपनी साइकिल को उल्टा कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे टायर घुमा के चेक करना है कि आपकी रिम को अलाइनमेंट की ज़रूरत है या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिम है, तो आपको क्या करना है, अपने टायर को घुमाना है। तो इसमें जो है दो तरीके से होता है, कई बार होता है कि हमारी जो ऊपर की है रबड़ होती है ये ढंग से बैठी नहीं होती, तो इसको क्या है कि हमारी रिम तो अच्छे से सीधी घूम रही होती है बट जो हमारा रबड़ है वो ढंग से बैठा नहीं होता, तो वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी हवा कम कर लेनी है थोड़ी और उसको वहाँ से सही से बैठा लेना है। और उसके बाद अगर वो सही बैठ गया फिर भी आपका टायर टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, तो आपको रिम के अलाइनमेंट कैसे चेक करनी है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपको टायर घुमाना ज़ोर से, आप देख सकते हैं कि मेरी रिम जो है इधर उधर आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये राइट लेफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि रिम के अलाइनमेंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए आपको बताता हूँ अब रिम अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मुड्डी लगा रखी, तो आप भी इस तरीके की मुड्डी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मतलब ज़्यादा ऊपर ना बैठना पड़े, वरना आपके बैक में भी पेन होगा और आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी लैग बनाने में, लैग या फिर मतलब अलाइनमेंट जो भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टूल आपको यूज़ होंगे। तो देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास है 14 और 15 इंच का स्पैनर, एमएम का स्पैनर, और ये भी हमारी है चाबी कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो है हमने दो पेचकस भी ले रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये और पेचकस हम यूज़ करेंगे टायर को खोलने के लिए, मतलब इस रबड़ को रिम से निकालने के लिए। और जो है पेचकस एक सेफ वे नहीं है क्योंकि ये है कि आपके ट्यूब को पंचर भी कर सकता है, तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एक चम्मच। तो चम्मच बहुत आसान पड़ता है, मैं आपको ये बताऊंगा चम्मच से कैसे खोलते हैं, बट आपको चम्मच से तभी खोलना है जब आपके टायर का कंपाउंड बहुत सॉफ्ट कंपाउंड है बहुत, ताकि वरना अगर आप चम्मच से करेंगे तो चम्मच ही मुड़ जाएगी। तो आपको पेचकस यूज़ करना पड़ेगा अगर आपका टायर बहुत हार्ड है। सो गाइस इन सब के अलावा सबसे मेन जो आपको यूज़ में आएगा वो होता है ये स्पोक रेंच। आप किसी भी शॉप पर जाके बोल सकते हैं 20 या 30 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप किसी को बोल सकते हैं कि आपको स्पोक रेंच चाहिए रिम की तिल्लियों को टाइट करने के लिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने 14-15 mm के स्पैनर से अपने टायर को बाहर निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो गाइस अपना टायर तो बाहर आ गया है, उसके लिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपका ये पेचकस है तो इससे आपको इसके पहले हवा निकाल लेनी है पूरी। तो गाइस हवा तो पूरी निकल गई है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कैसे पहचानना है कि आपका सॉफ्ट कंपाउंड है या हार्ड कंपाउंड है। जैसे कि मेरे केंडा के टायर्स है, केंडा के टायर्स मोस्टली सॉफ्ट कंपाउंड ही होते हैं। आप इसको आराम से यूँ देख सकते हैं, ये इजीली बहुत इजीली दब रहे हैं। तो ये क्या है कि आप चम्मच से यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी निकल जाते हाथ से, थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है फिर ये निकल जाते हैं। तो अब मैं इस पूरे टायर्स को निकाल देता हूँ। तो गाइस अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको अपने टायर को निकालना किस तरीके से है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ढूंढना है कि आपकी टायर इन्फ्लेट कहाँ से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा टायर यहाँ से इन्फ्लेट होता है,
तो आपके इसके थोड़ा सा साइड में रख के, जैसे मैं एक चम्मच यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप पेचकस भी यूज़ करें तो कुछ इस तरीके का पेचकस यूज़ करें, जिसका मतलब ज़्यादा पॉइंटेड ना हो, प्लेन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फोकस करके दिखा देते हैं, फोकस हो जा, फोकस नहीं ले रहा। तो गाइस ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि टायर को निकालते कैसे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो अपने हमने इस चम्मच के ये और पीछे वाले एंड को यहाँ पे ऐसे डाला, और इसको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ऐसे दूसरी साइड से भी करना है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं पूरा टायर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि अब अपने टायर और ट्यूब दोनों बाहर निकाल लिए हैं, तो आप अपनी अलाइनमेंट से पहले अपना एक्सल एक बार ही ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, ताकि अगर आप अपना एक्सल आपका सही नहीं होगा, जैसे आप देख सकते हैं अगर आपके जो हब है ये ऊपर नीचे हिल रहा है, जैसे कि आप साइड में वीडियो देख सकते हैं कि हब ऊपर नीचे हिल रहा है, तो अगर आपका हब वैसे हिल रहा है तो आप पहले अपना हब चेंज करवाइए, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका हब ही ऊपर नीचे चल रहा है तो आपकी रिम तो ऊपर नीचे चलेगी ही। और बाकी अगर आपका हब एकदम सही है और प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उसके बाद आपको अलाइनमेंट अपना बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना जो रिम है उसकी अलाइनमेंट को किस तरीके से चेक करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट और ईजिएस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्पोक रिंच है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्पोक रिंच है, तो इसमें आपको यूज़ कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 नंबर है, आपको इस 14 नंबर के उस सॉकेट को यूज़ करना है। तो किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये जो आपका ये है क्या कहते हैं स्पोक रिंच है, इसको आपको ऐसे एक जगह बिल्कुल स्टेबल रखना है, और आपके रिम को घुमाना है। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है इस पर, जैसे थोड़ा सा गैप लेके इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए एकदम से आवाज़ करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रिम जो है राइट लेफ्ट घूम रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी रिम को टच कर रही है। देखिए तो जहाँ पे ये टच कर रही है आपको वो देखना है, जैसे ये टच हुई यहाँ से, देखो ये टच हुई इस तिल्ली से, इसको आपको ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है, और टच ये हमारी कहाँ तक कंटिन्यू हो रही है हमें वो देखना है। देख सकते हैं जैसे कि हम इसको पीछे ले आएंगे, ये हमारा टच हुआ यहाँ इन दोनों तिल्ली से स्टार्ट यहाँ तक। तो इसको आपको करना किस तरीके से वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना कि जैसे आपकी रिम है वो लेफ्ट से राइट आ रही है, तो इसमें जो है ये दो तिल्ली राइट की हैं और ये जो तीन तिल्ली हैं ये लेफ्ट की हैं। तो आपको क्या है कि इसके ये इनके टेंशन के साथ खेलना होता है, ताकि ये आपके रिम स्ट्रेट हो सके। जैसे कि ये मेरी रिम है, ये राइट की तरफ जा रही है, तो आपको चेक करना है कि जो राइट की तिल्ली है वो ज़्यादा मतलब राइट के स्पोक जो है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा टाइट है तो पहले आपको उनको ढीला कर लेना है। जैसे कि ये मैं आपको बताया था 14 नंबर को यूज़ करके, तो आप 14 नंबर को ऐसे लगाएंगे यहाँ पे फिट करेंगे, और आपको ढीला करने के लिए आपको इस तरफ घुमाना है, ऐसे घुमाना है, उधर उधर की तरफ आपको घुमाना है, और अगर आपको टाइट करना है तो आप इस तरफ घुमाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें ढीला करना है तो हम उस तरफ घुमाएंगे, ये देख सकते हैं। जैसे गाइस हमने इसको टाइट कर लिया, हम दोबारा चेक करेंगे अगर ये हमारा वापस टच होगा, देख सकते हैं आप ये वापस टच हो रहा है, ये गाइस वापस टच हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे। अगर आपके स्पोक जो है बहुत ज़्यादा टाइट है तो अब आपको ढीला करना है, वरना तो अगर आपका स्पोक ज़्यादा टाइट नहीं है तो आपको उसको ढीला नहीं करना, आपको जो लेफ़्ट साइड की तरफ जो स्पोक है उसको टाइट करना, ताकि वो रिम को अपनी तरफ खींचे, ताकि जो हमारी रिम राइट जा रही थी वो इधर का लेफ़्ट साइड का स्पोक उसे खींचेगा तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ये देखिए।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आया यहाँ पे इस, एक मिनट आपको इस तरीके से चेक करना है। ये यहाँ पे टच हुआ और यहाँ तक। तो गाइस इसमें हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारी जो स्पोक है वो राइट ज़्यादा टाइट तो नहीं है। जैसे कि मैंने देखा कि हमारी स्पोक जो है ज़्यादा टाइट है, तो हम उसको वापस ढीला कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी रिम कितनी ज़्यादा टच हो रही है, ये देखना आप कैसे टच होगी, ये देख सकते हैं कैसे टच हो रही है। तो इसको कैसे करना है आपको मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टच कहाँ पर हो रही है। ये जो है यहाँ से आई रिम और ये टच, ये देख सकते हैं आप जहाँ पे टच हुई तो ये वाला स्पोक, और ऐसे टच होते 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 तो ये यहाँ पर रिलीज़ हो गई। तो आपको काउंट कर लेना है कि आपको कितने स्पोक हैं। जैसे ये हमारा ये वाला स्पोक है तो ये यहाँ से हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्पोक है। तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने जो है स्पोक्स को कैसे टाइट करना है, कौन सा ढीला करना है, कौन सा टाइट करना है। जैसे कि आपने देखा जो हमारी रिम है वो लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो हमें चाहिए राइट की तरफ आनी चाहिए वो। तो हमारे जो स्पोक्स हैं सारे टाइट है, तो आपको किस तरीके से करना है, जैसे ये एक स्पोक लेफ़्ट का है, ये राइट का है, फिर लेफ़्ट फिर राइट, इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों लेफ़्ट के स्पोक्स को ढीला कर लेना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। जैसे ये एक टर्न इसको घुमाया और एक टर्न इसको घुमा दिया, ठीक है गाइस। मैं आपको थोड़ा अच्छे एंगल से दिखाता हूँ, एक टर्न इसको घुमा दिया। अभी जो हमारी राइट की स्पोक है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम, जितना उन दोनों को घुमाया है उतना ही इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको वाला भी ढीला कर लेना है, इसको थोड़ा सा, कुल थोड़ा सा ढीला करना है और इसको राइट स्पोक को टाइट। ऐसे आपको जहाँ तक आपका लैग था वहाँ तक लेफ़्ट के स्पोक्स को हल्का हल्का ढीला और राइट के स्पोक्स को टाइट। ये गाइस आपको तब करना है जब आपकी दोनों दोनों जो है आपकी स्पोक्स है वो काफ़ी टाइट हो रखी है। अगर आप जैसे आपकी जो है रिम है वो आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है और आपकी आपने देखा जब चेक किया तो आपके राइट के स्पोक्स ढीले हैं, तो आप बस राइट के अपने स्पोक्स टाइट कर दीजिए, वो आपको आपकी रिम को अपने आप वापस सेंटर में लाएगा। बट आप देख रहे हैं कि आपके दोनों स्पोक्स अच्छे से टाइट हैं, तो आपको लेफ़्ट का ढीला करना होगा ताकि आपके राइट के तरफ आए। अगर आपको लेफ़्ट ले जाना है तो राइट का ढीला करके लेफ़्ट का टाइट कीजिए। तो इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। तो गाइस अगर आपके पास पावर ब्रेक है, जैसे मेरे पास ऑप्शन था पावर ब्रेक का, पर मैंने अभी हटा रखा है पावर ब्रेक को, मैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास पावर ब्रेक है तो आप इस स्पोक रेंज की जगह उस पावर ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो है रिम की अलाइनमेंट कहाँ पर करनी है आपकी। तो टाइट तो आपका स्पोक रेंज से ही होगा। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया, मैं आपको बता देगी किस तरीके से आपको ढीला टाइट करना है। जब आपको ढीला करना है तो आपको इस तरह ढीला करना है, और जब आपको टाइट करना है तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे। तो अब आपको मैं मिलता हूँ सीधा रिम सीधा करने के बाद। गाइस जैसे कि अपना लैग बन गया है, तो अब हम इसमें टायर ट्यूब लगा के इसको वापस खड़ी कर देते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको रिम अलाइनमेंट को फाइंड करना है, कैसे उसको टाइट करना है, कैसे उसको सेंटर में लेके आना है, किस तरीके से आपको चेक करना है कि अलाइनमेंट कहाँ पर करनी है और किधर के स्पोक्स टाइट करने हैं, ये सब। तो ऐसे ही अगर आपको पूरी साइकिल में किसी भी पार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, जैसे कि गियर्स को कैसे सेट करें, अपनी चेन की सर्विस को सर्विस कैसे करें और उसको मेंटेन कैसे रखें, कैसे आप अपनी साइकिल को डिस्क ब्रेक कैसे आप अपनी साइकिल की डिस्क ब्रेक को
बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। जैसे कभी किसी की आवाज़ आती है, कभी किसी के ब्रेक्स जो है टाइट होते हैं पर वो लगते नहीं है, तो आपको पूरी साइकिल में कोई भी पार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना। और जैसे कि स्टंट राइडर्स के लिए बहुत काम आता है हाउ टू इंस्टॉल अ चेन गाइड, तो आप मेरे को उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कैसे आप अपनी चेन की सर्विस एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आपको कोई भी साइकिल का ए टू जेड पार्ट चाहिए हो सस्ते में और काफ़ी अच्छे प्राइस में अगर आपको चाहिए हो, और जैसे आप अपना कैसेट वाले हब या फ्री व्हील वाले हब क्वांडो के या ऐसा संडूर के सस्पेंशन या हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट रेट में दिलवा दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मिलते रहेंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट वीडियोज़ में, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। टिल देन बाय बाय।